स्थानीय प्रशासन द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किए जाने के साथ ही 1589 लोगों को पाबंद किया गया, तो वही 364 हथियार जमा किए गए। 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के क्रम में स्थानीय सहायक निर्वाचन अधिकारी SDM नानूराम सैनी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार यादव, प्रशिक्षु RPS प्रियंका कुमावत, थाना अधिकारी जहीर अब्बास सहित मई जाप्ते के अधिकारियों ने गोपालपुरा, सुंदरपुरा, कहाड़ा, दातील व भोनावास गाँव का दौरा कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रभावित लोगों से संपर्क स्थापित कर भयमुक्त होकर मतदान किए जाने की अपील की। SDM नानूराम सैनी ने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। पुलिस और सेना के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोटपुतली सर्किल के थाना क्षेत्रों में लाइसेंसी हथियारों को जमा करने के साथ ही मतदान के दौरान व्यवधान उत्पन्न किए जाने की आशंका में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित कर विभिन्न धाराओं में पाबंद कराने की कार्रवाई जारी है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। स्थानीय थाना इंचार्ज जहीर अब्बास के अनुसार अब तक कुल 1589 लोगों को पाबंद किया जा चुका है, तो वही 364 हथियार जमा किए गए हैं।